है, उसके बारे में क्या है क्या नहीं। अच्छा नेक्स्ट वन ऑलरेडी मैं आपको एक तो बता चुकी हूँ, ऑनर कार्ड्स क्या होते हैं। ऑनर कार्ड ऑल द फेस कार्ड प्लस एसेस, ठीक है। और इनको छोड़ के जो है बाकी 1-10 दैट आर नॉन ऑल। ठीक है, जब आप इसको डिफरेंट साइज पे चेक करोगे, कुछ में कैन बी इंक्लूडेड ओवर हियर, पर आपने बोर्ड के अकॉर्डिंगली इसको नहीं लिखा, ठीक है। तो आपने सिर्फ ए जे क्यू के ये लेके चलने हैं, एंड 2-10 आपकी जो है देयर आर नॉन ऑनर कार्ड। बाकी आपको फेस कार्ड वगैरह पता है, ट्रेड और क्लब्स वगैरह वो सारा पता है। हार्दिक एनी डाउट, एनी डाउट बोलते मत दिखूंगा। थैंक यू। पूछना है कुछ, एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन। एक हमारा वो वाला लीप ईयर, हाउ मेनी संडेज और मंडेज आर देयर इन अ लीप ईयर। कोई भी डे आपको गिवन हो सकता है। हाँ, 53 संडेज या 53 मंडेज। अगर ऑर्डिनरी है तो कितने पूछे होंगे, 1/7। ये विषय सीधा लर्न कर लो। ऑर्डिनरी ईयर में 53 ऑफ एनी डे, संडे है, मंडे है, जो मर्जी दिन आपको गिवन हो, आपका जो आंसर बनेगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 1/7। लीप ईयर आ जाता है तो दैट विल बी 2/7। ठीक है, तो ये आप सॉल्व मत करके देखना। ऑर्डिनरी के लिए दिस इज 1/7, फॉर द लीप ईयर दिस इज 2/7। वन मोर थिंग, जहां पे आपका आता है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लो आपका जो है क्वेश्चन आ गया, फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ मैं, 18 and 24। फैक्टर्स बताइए इनके क्या बनेंगे। प्राइम इनका हमने एलसीएम निकालना है, एंड वी आर टू फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन है, ध्यान रखेंगे क्या बनेगा इसका। Find the sum of the exponents of the prime factorization of LCM of 18 and 24. It will be 5 or 6. ये ध्यान रखें। Prime number one जो है that is not included. ठीक है? तो अगर prime factorization के एक्सपोनेंट्स का सम पूछा जा रहा है, तो ओनली जो आपके प्राइम नंबर्स की पावर्स हैं उनको आपने ऐड करना। 1 जो है दैट इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट। स्मॉलेस्ट आपका प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी दैट इज अगेन 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 2। ये चीजें आपको पता होगी। Then, अगर आपका क्वेश्चन आता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय विच 57
and 71 can be divided, leaving a remainder of first वाले में 6 and second वाले में 6, leaving a remainder 6. जहाँ leaving a remainder and largest number आ रहा है, which divides both of these means वो number इन दोनों से छोटा होगा. वो number इन दोनों से छोटा means HCF find out करना. और जहाँ leaving the remainder आ गया, तो पहले आपने remainder को क्या करना है? माइनस करो. तो ये आ गया 51 और ये यहाँ 61, ठीक है 71, ये कितना आ गया 65. Now it means you have to find the HCF of 51 and 65. ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको पहले माइनस. Got it? हाँ तो मुझे बता दो, मैं कुछ कह रही हूँ. कान आ रहे कर ले जाओ, सॉल्व नहीं आए. What will be the HCF of M and N? HCF में जो common smaller वाली power होगी वो लेनी है. P और P cube में से छोटी power किसकी है? P. Q cube और Q square में, let us suppose यहाँ पे R भी है. Will R be taken or not? क्योंकि दोनों में common नहीं है, तो R को आप नहीं लोगे in HCF. अगर हम LCM ले रहे हैं, then LCM में जो एक्सपोनेंट है वो बड़े वाला लेना है. P and P cube में Q cube and जो बच गए, जो अकेले रह गए, that also you want. ठीक है, कहने के लिए this is least common multiple, but क्योंकि ये multiple है तो इसकी value हमेशा जिन numbers का आप LCM ले रहे होते हो उससे हमेशा बड़ी है. HCF जिन नंबर्स का ले रहे हो, कहने को वो हाईएस्ट है वर्ड उसमें, बट क्योंकि वो फैक्टर है तो जिन नंबर्स का आप HCF ले रहे हो वो हमेशा उनसे छोटा. HCF हमेशा जिन नंबर्स का HCF निकालना है वो वैल्यू हमेशा छोटी होती है. LCM हमेशा जिन नंबर्स का आप LCM निकाल रहे हो उससे बड़ा. ठीक है, ये क्लियर है? देन डेसिमल एक्सपेंशन. This will terminate after how many decimal places? 8. जो भी 2 या 5 की highest power है, after cutting, अगर कुछ cancellation हो रही है, पहले cancellation करो. Otherwise, जो highest power है, after this much decimal places, it will terminate. So this will terminate after 8 decimal places. The remainder, when the square of any prime number greater than 3 is divided by 6. You have to find the remainder when any prime number greater than 3 is divided by 6. Options 1, 2, 3, 4. Right. Question hai, the remainder when square of any prime number greater than 3 is divided by 6. 7 se kyun karenge? Chalo pehla number 5.
फाइव का स्क्वायर सिक्स से डिवाइड करने पे रिमाइंडर इज एक्स, सेवन रिमाइंडर इज एक्स, ये क्लास में टॉपर्स जवाब दे रहे हैं। 121 रिमाइंडर अगेन, ठीक है, आंसर में भी डायरेक्ट ये सॉल्व करके देखते हैं। The smallest rational number by which 1 by 3 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after one place of decimal. 3 by 10. Options are 3 by 10, 1 by 10, 3 or 3 by 100. अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो, ये डेसिमल नहीं रहेगा, 1 डेसिमल के बाद टर्मिनेट करना है तो 3 by 10, तो ये आप डायरेक्ट करके देख सकते हैं। सेम वे में नंबर्स आपको गिवन होंगे, उनके एचसीएफ और एलसीएम की रेशियोस आ सकती है। जो वर्ड पहले लिखा होगा, अगर एचसीएफ पहले लिखा है तो एचसीएफ वाला पहले लिखोगे, एलसीएम वाला बाद में। ये छोटी छोटी चीजें अब लिखा है। द लीस्ट नंबर बॉयज, चलो राघव बताइए, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल by the numbers 1 to 10, Raghav बताएंगे, least number that is divisible by the numbers 1 to 10, कौन बोला ये? That is divisible, one divisible है 1 से 10 से, 1 से 10 सभी numbers से 1 divisible है, that is divisible का मतलब that number will be greater than 10, अभी क्या समझा के आती हूँ? Least common multiple. They have asked the least number that is divisible by the numbers from 1 to 10. So it means आपको क्या करना है? 1 से लेके 10 तक का LCM find out करो। वो आपको answer करना है। That's good. That's all for today.